हेलो दोस्तों, कैसे हो लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो मैं चुका हूँ आज एक अलग वीडियो लेके, कुछ अलग चीज़ लेके। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखना, तभी इसमें आपको सबको समझ में आएगा। तो आज का इस वीडियो का पार्ट हम डालने वाले 7 महीने बाद। तो आप सोच सकते हो कि कौन सी अब अनोखी चीज़ होने वाली आज हमारे इस वीडियो के अंदर। तो आज हम जो हमारा अगला पार्ट होने वाला, वो होने वाला 7 महीने बाद। इस चीज़ को हम अगला पार्ट डालेंगे इस चीज़ के बारे में। तो आज का वीडियो कुछ इस प्रकार का होने वाला। इधर ला, ये देख सकते हो हमारे पास ये एक कुरकुरे की थैली है, और ये है एक डेरी मिल्क, और ये है एक पार्ले जी, और ये है एक नारियल। तो गाइस ये देख सकते हो हमने खड्डा पहले ही कर दिया। ये देख सकते हो ये इतना गहरा किया है इस, ये देखो ये पेड़ों की जड़ें भी इसके अंदर आ रही है। ये देखो इतना हमने ये गहरा खड्डा किया है। तो इन सब सब चीज़ों को इसके अंदर डालेंगे। तो हम चीज़ें लाते हैं, वो यहाँ कहीं फेंकी है उस चीज़ों को लाते हैं इसके अंदर डालते हैं। तो एक रही ये, तो गाइस ये देख सकते हो हमने चारों चीज़ों को इसके अंदर डाल दिया। ये देख सकते हो ये नीचे कुरकुरा, और ये डेरी मिल्क, और ये है पार्ले जी, और ये नारियल। तो गाइस ये देख सकते हो हम सारी चीज़ों को इसके अंदर डाल दिया। अब ये रही हमारे पास गिल्ली गिल्ली मिट्टी, क्योंकि यहाँ गाइस खोदने में बहुत सारी प्रॉब्लम आई, बहुत सारी, इसीलिए हमने यहाँ पे थोड़ा खड्डा किया, फिर बाद में गिल्ला कर करके इसको खोदा। तो हम इसको पे करते हैं। इसके निशानी के लिए कुछ चीज़ रखते हैं, क्योंकि 7 महीने बाद बहुत मुश्किल होगा इसको ढूंढना। तो ये देख सकते हो हमारे पास है एक पत्थर, तो इसको यहाँ पे रखते हैं। हाँ तो गाइस ये देख सकते हो सारी चीज़ों को कर दी हमने यहाँ पे पैक, और चार चीज़ें थी। तो हमने इसको इसीलिए गाड़ा क्योंकि इसके इसमें एक तो कुरकुरे, उसके अंदर होती है नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन गैस में ऐसा बोलते हैं कि हजारों सालों तक वो सर्वाइव कर सकती है कोई भी चीज़ होती है, और डेयरी मिल्क के अंदर भी ऐसा है, और पार्ले जी में कुछ नहीं आता है, और नारियल है। तो देखते हैं कि कौन सर्वाइव कर सकता है 7 महीने तक। तो अब पता चलेगा 7 महीने बाद। तो